सगीर। सगीर हाँ जी। तो यहाँ कौन से गांव से हो आप? सूप, सूप गांव। सूप यही आसपास पड़ता है? हाँ जी, बागपत में बिराड़ से अगली तरफ ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, आपके तो ये पूरी रिक्शा टूटी हुई है? हाँ जी, पूरी टूटी पड़ी है। तो आपकी उम्र कितनी है ये बताओ जी? बस उम्र का तो देखा पता नहीं जी, कैद के एक होगी। फिर भी कितनी उम्र होगी जी? होगी 50 तो 55 60 तो होगी। तो घर में और कौन कौन है आपके जी? घर में तो भाई है बस। शादी क्यों नहीं की आपने जी? बस शादी कहाँ, बाप करा था वो मर गया था जी। जी बस मर गया था। करी थी शादी? छोटा छोटा हो गया? करी नहीं, करी नहीं। अच्छा तो फिर तो दिक्कत होती होगी। खर्चा कैसे चल रहा तुम्हारा? ये कुड़बे में ही पोता है, वो पूछा दे खाना। अच्छा, क्या काम करे पोता? पोते तो यही अपनी मेहनत मजदूरी करे जी। जी जी, पड़ोस में कुड़बे में। अच्छा, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं जी भाई, यही दिक्कत है और कुछ दिक्कत कुछ नहीं। पैसे की किसी चीज की दिक्कत जी? नहीं, बस चल रहा काम अपना, सारे भाग। तो ये आपको परेशानी नहीं होती इतनी उम्र में चला रहे हो? हाँ जी चला रहा हूँ, परेशानी तो बनी है जी, शहरी में चलानी पड़ेगी जी। तो पूरे गांव वाले इकट्ठे करके आपको बैटरी की रिक्शा नहीं दिला सकते? नहीं, कोई ऐसा आदमी को थोड़ा ही है, एक दो दिलवा दे। अच्छा, और गांव के प्रधान वगैरह? नहीं जी, कोई नहीं सुना ना। ये आपकी जो गाड़ी है ना? अच्छा, ये गाड़ी तो मेरे ख्याल से टूट गई, सारी वेल्ड करा रखी है आपने। हाँ जी हाँ, हमारे पास में नई गाड़ी है, अगर आपको चाहिए हम नई गाड़ी दे देंगे आपको जी। हाथ वाली नहीं चाहिए। और कौन सी चाहिए? ये बैटरी वाली थे तो जो ऐसे बैटरी वाली। बैटरी वाली तो 35,000 रुपए की आती है, आपको पता है? रेट लिया था आपने, पूछा था किसी से? नहीं, मैं कहाँ पूछ जा, मैंने वहाँ बाप पत भी ना मिल दी है, बटी थी जब भी नहीं दी थी किसी ने। अच्छा अच्छा, परेशानी परेशानी खा के चले आप। तो आपके पैर में क्या हो रहा, मतलब हवा लग रही है मर रहे पैर? अच्छा, कितने सालों से है ये? तो बस इतने बड़े करे हवा लग गई थी। क्या क्या बिरादरी है आपकी? अब्बासी। अच्छा, अब्बासी हो जी? हाँ। वो खाने की कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ जी? कोई दिक्कत नहीं खाने की, खर्चे की, बीड़ी बीड़ी की? बीड़ी पीड़ी की तो हो जा बाजी दफ। अच्छा, बीड़ी की हो जा? हाँ जी। ये मेरी बेटी है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नाम है इसका। अब्बा को तो सीधा से अस्सलाम। ये कुछ पैसे आपकी, बस हमारी तरफ से एक खिदमत है आपकी। अच्छा जी, बहुत। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हम YouTube पे Facebook पे आपकी वीडियो डाल देंगे? नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई एतराज तो नहीं है ना? ना जी, कोई कोई परेशानी तो नहीं है ना? ना जी, कोई। देखिए, हम सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हाँ जी, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों की मदद करें। जी नहीं, अच्छी बात है जी, आपकी बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह दुआ में याद रखना आप। देखा किस तरह से ये जो बाबा थे, ये एक अपनी टूटी फूटी रिक्शा को कितनी मतलब जोर जबरदस्ती से खींच रहे थे। अचानक से मैं निकला क्योंकि मुझे एक शादी में जाना था। मेरी बेटी ने कहा कि अब्बू देखिए ये बाबा किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं रुका। हमने उनकी कुछ मदद भी की है, लेकिन उनकी जो रिक्शा थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी, और टूटी हुई रिक्शा से वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके के रहने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मैं जब भी नेक्स्ट टाइम इनसे मिलूँ तो इनके लिए एक नई रिक्शा लेके जाऊँ, उनके लिए कुछ इनको सरप्राइज़ दूँ। अभी हमने इनकी कुछ मदद की है पैसे से। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपके आसपास ज़रूर मिलेंगे, और रमज़ान का महीना आने वाला है, ऐसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकालिए, आपके आप देखिए आपके आसपास जो गरीब लोग हैं, जो बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनको कभी अच्छा खाने को नहीं मिलता, अच्छा पहनने को नहीं मिलता, हमारा हक बनता है कि हम उनकी मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस रमज़ान खूब खुशियाँ बांटे, खूब लोगों की मदद करें, क्योंकि यही मदद आपकी निजात का ज़रिया बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।